अब्बास अंसारी के साथ उनके भाई उमर अंसारी हैं। इसके अलावा उनके बड़े पिताजी गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी हैं, जो पहले ही पहुंच गए थे। ये देखिए तस्वीरें, देखिए वही स्टाइल करने की कोशिश जो कभी मुख्तार अंसारी किया करते थे, तो वही एक स्टाइल है। सबसे ज्यादा आप ही भावुक दिखाई दे रहे हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से ये आदेश था कि अब्बास अंसारी को अपने पिता के आज 10वें के फातिहे में सम्मिलित होने के लिए उसका व्यवस्था किया जाए। उस क्रम में आए थे और फातिहा हुआ। अब मज़ार पर आए, फूल की चादर चढ़ाए, मिट्टी डाले और रुख्सत हो गए गाजीपुर जेल के लिए। फिर कल ईद का त्यौहार है तो किसी को बताना नहीं है, सारे हिंदुस्तान में है, एक ही दिन है हो रहा है, कोई कंफ्यूजन भी नहीं है। अब ऐसे परिवार में जहाँ ईद एक खुशी का त्यौहार है, वो उस रूप में तो नहीं मनाया जा सकता, तो ऐसे मौके पर जो रिश्ते नाते और पास पड़ोस या जो जिसके हमदर्द वो लोग इस त्यौहार के मौके पर आ कर के उस परिवार को उसका गम बांटने के लिए उनकी उनका दरवाज़ा करते हैं, पुरसा देते हैं, तो इसके लिए भी हमने कल ही निवेदन कर लिया था। क्षेत्राधिकारी मोहम्मदाबाद साहब जब आए थे पुलिस अधीक्षक महोदय के एक पत्र को लेके, तो हमने उनको बता दिया था कि 11 तारीख को नमाज जो होगी ईद की, तो वो तो चूँकि वो कारागार में हैं, उचित होगा कि वहीं पे उनको नमाज़ पढ़ा दी जाए, क्योंकि यहाँ ला के फिर ईदगाह में नमाज़ पढ़ाना व्यवधान बहुत होगा, हम लोग भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ नमाज़ पढ़ा लीजिए। नमाज़ पढ़ने के बाद फिर जब आप उचित समझिएगा लेके परिवार में आइएगा। कल साल भर का वो त्यौहार है और पहली ऐसी ईद है जब मुख्तार अंसारी दुनिया में नहीं है, तो उस परिवार में उस गम के माहौल में जो लोग आएंगे शिरकत करेंगे उनके लिए पुरसा देंगे, उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो कल तो कोई रोज़ा है नहीं कि शाम तक मगरिब के बाद ही रोज़ा खोलेगा आदमी और तब आके फातिहा पढ़ेगा, ऐसी तो कुछ नहीं रहेगी। और दिन ही दिन में और परसों उनको दफन हुए 13 दिन पूरा हो जा रहा है। 30 तारीख को मुख्तार को कब्र में दफन किया गया था, तो 13वें दिन उनकी मग़फ़रत के लिए दुआएं ख़ास होती है, उसमें भी वो शिरकत करेंगे। और रात का वक्त तो जेल में ही, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, हम लोग कोशिश में हैं कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश हुआ है और हमारे वकील ने अपनी पूरी बात रख दी है और राज्य सरकार की ओर से जो उनके वकील हैं उन्होंने भी अपनी पूरी बात कर दी है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया है उस आदेश के क्रम में इन 3 दिनों के लिए अब्बास को अपने परिजनों से मिलने का, पहले दिन तो फातिहे में सम्मिलित होने का, बाकी दोनों दिनों में एक दिन ईद की तकरीब और तीजे की जो 13वें दिन का तीजा है उसकी तकरीब, उसमें उनको शिरकत करने के लिए। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को अगर किसी तरह से तोड़ने मरोड़ने समझने समझाने में कुछ तो अधिकारी गण खुद कुछ समझ लेते हैं, कुछ आप लोग समझा देते हैं, जितना अच्छा वकील नहीं समझेगा कोर्ट का आदेश उतना अच्छा तो कई पत्रकार बंधु ही समझ ले रहे हैं, तो उसको समझाइएगा। हम लोग कोशिश करेंगे कि अपनी तरफ से कोई शिकायत का मौका न दिया जाए और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश किया है उसका अक्षरशः पालन किया जाए, और यदि उसको ट्विस्ट करने तोड़ने मरोड़ने या किसी और तरह से घुमाने की कोशिश की गई तो हम आपसे क्या कहें, हमें जो कहना होगा हम
सर्वोच्च न्यायालय में कहेंगे। आपने कहा था कि अब्बास अंसारी कोशिश करेंगे कि जमानत पर रिहा हो जाए जल्दी। मैं आज भी कह रहा हूँ, आपको तारीख नहीं बताऊँगा कि आप पहले ही से वहाँ खड़े हो जाइए जाके कि होने ना पाए ज़मानत, लेकिन उम्मीद करता हूँ इसी अप्रैल में ही। कोई मुकदमा नहीं है, एक मुकदमा है गाज़ीपुर से एक सज्जन ने, पहले कभी उन्होंने हमसे हमारी ज़मीन या हमारी प्रॉपर्टी हमें दबाव में लेकर के लिखवा लिया था, तो उसमें बाकी अक्यूज़ की बेल हो गई है, उनकी भी बेल हाईकोर्ट में पेंडिंग है, हम उम्मीद करते हैं हो जाएगी, कानून है ना। दूसरा वो है जिसमें उनकी पत्नी मिलने गई थी तो बताया गया मुकदमा कायम करके कि मुलाकात के लिए जो प्रक्रिया परमिशन की होती है वो पूरी नहीं हुई थी, इसलिए उनको भी बंद कर दिया, उस केस में इनको भी, उसमें भी सारे लोगों की बेल हो चुकी है, चाहे जेल अधिकारी रहे हों, चाहे उनकी पत्नी या उनका ड्राइवर या जो जो अकेली इनकी बची है, वो भी जिस दिन कोर्ट में नंबर पे आ जाएगी वो भी बेल होगी। अब एक केस बचता है सिर्फ, और वो है ईडी का। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ईडी के तौर तरीकों को कि बहुत लंबी अवधि तक किसी को आप जेल में नहीं रख सकते, उसके लिए आपको उस अपनी न्यायिक प्रक्रिया को पूरा करना चाहिए। आपको पता ही होगा, आप लोग तो बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, ईडी के जो मामलात हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग के होते हैं वो किसी के लिए सर्वाधिक सज़ा 7 साल की होती है, और 1.5 साल से तो वो जेल में है। उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का कितने का केस आप अनुमान बताइए, 400-700 हज़ार 2000-5000 करोड़ का नहीं है, 4 करोड़ रुपए का है। और अभी 4 दिन पहले संजय सिंह को पूरा स्कैम तो कई 100 करोड़ का है, लेकिन संजय सिंह के जिम्मे ईडी ने कहा कि 2 करोड़ का कम से कम मुनाफा इनके खाते से में गया है, और 2 करोड़ वाले पे जब सुप्रीम कोर्ट रहम कर सकता है तो 4 लाख वाले पे भी कुछ उम्मीद रखते हैं हम कि उसमें भी बेल, इसीलिए कह रहा हूँ बेल करा लूँगा परमानेंट जी। हाँ यार, ये तो आपने कहा, मैं तो आज दिन भर इसी में घिरा हूँ। क्या कहेंगे फिर भी, पुराने प्रतिद्वंदी नहीं आए, चर्चा थी कि जिस तरीके से मनोज सिन्हा जी आएंगे। देखिए कोई तो आएगा ही, अब जो भी आएगा वो पूरी ताकत से लड़ेगा, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, वो पहले से भी लोग तैयारी में थे और सारे अपने कार्यालयों का उद्घाटन किया, आप लोगों ने ही दिखाया कि वो लोग कह रहे हैं कि हमारा कैंडिडेट ना हो तो क्या हो, हमारा कैंडिडेट कमल का फूल है, तो अब तो कैंडिडेट का नाम भी आ गया, ठीक है जी। आपके लिए प्रत्याशी था, एकदम से एक नया चेहरा आया है, आपके लिए प्रत्याशी था या फिर आपको लग रहा था कि कुछ इसी तरह की? आप बीजेपी के लोगों से पूछिए कि उनके लिए भाई जो तरीका सुना जाता है आदर्श की बात, कि बड़ी लंबी प्रक्रिया होती है, लोगों को टिकट मांगने की लाइन में लगना पड़ता है, फिर छटते छटाते कुछ दिनों पहले मालूम हुआ कि 3 लोगों का नाम पैनल मांगा गया, अब पता नहीं 3 का गया या 13 का गया, वो बेचारे खुद ही कह रहे हैं कि हमने मांगा ही नहीं था, हम टिकट प्राप्त करने के दावेदार नहीं थे। तो ये तो देने वाले की दरिया दिली है कि न मांगने वाले को भी दे रही है। मैं इस पे क्या टिप्पणी कर सकता हूँ, जो मनोज सिन्हा जी नहीं है, मैं हाँ आप ही लोग चर्चा कर रहे थे कि वो बीके सिंह साहब एलजी बनने जा रहे हैं और मनोज सिन्हा साहब लड़ने आ रहे हैं, भाई साहब टाइम्स नाउ वाले खास तौर से चर्चा कर रहे थे एक कैंडिडेट की, हमारी मुलाकात 10 दिन पहले हुई तो ठोक के कहा उन्होंने, मैंने कहा चलिए, इधर कई दिनों से खबरें भी चल रही थी, लेकिन खबरों पे तो अब विराम लग चुका है, अब कोई क्या फ़ायदा चर्चा करने की, बेचारे अरुण सिंह भी आस लगाए बैठे थे, अभिनव सिन्हा भी कतार में खड़े बैठे थे, विजय मिश्रा जी को भी बहुत से लोगों ने आश्वासन दे रखा था, और लड़वइयों की कमी नहीं थी, पूर्व सांसद माननीय राधे मोहन सिंह जी भी कई बार नेतृत्व के लोगों से मिले थे और थे,
लेकिन कभी कभी चौंकाने वाला काम सभी कहते हैं, आप लोग भी कहते हैं करती है। इसी तरह से 2009 में भी एक चौंकाने वाला फैसला बीजेपी ने यहाँ लिया था। अब 2009 का इतिहास पढ़िए, देखिए क्या हुआ था, किस तरीके की टक्कर देख सकते हैं आप। 2009 वाला रिजल्ट देखिएगा बीजेपी के सिंबल का। सर एक आखिरी सवाल पूछना था, जल्दी जमानत हुई, लेकिन सरकार बराबर दलील दे रही है इस तरह की कि अगर वो बाहर आएंगे तो गवाहों पर दबाव बन सकता है। अरे मेरे सरकार दबाव देती रहे, कानून नहीं कहता। कानून कहता है किसी को आप अंदर नहीं रख सकते। आप जिन मामलों में चार्जशीट दे दिए हैं तब तो बिल्कुल नहीं रख सकते। ट्रायल फेस करेंगे। जो लोग कानून से भागे रहे 20-20, 25-25 साल, वो लोग सरकार की गोदी में बैठ के लोरियां सुन रहे हैं, उनकी खोज खबर नहीं लिया। तो बहरहाल अपने पिता की मज़ार पर अब्बास साहब आए, घर पे जो 10वें के फातिहे का आयोजन था उसमें शामिल होकर के उन्होंने भी कलाम पाक वगैरह का पाठ किया, नमाज पढ़ी। और अब मगरिब बाद रोज़ा खोल के आने के बाद यहाँ पे फातिहा भी पढ़ा, चादर भी चढ़ा दी। हम दुआ करते हैं कि उनको सुकून मिले, मरहूम की रूह को भी सुकून मिले और उनके बड़ी औलाद की हैसियत से अब्बास साहब हैं। आप लोगों के लिए घाटे का सौदा हो गया, मुख्तार अंसारी आज या कल अब बाकी में जाकर के तो इतिहास और तारीख का हिस्सा बन गए, आपकी खबरों का हिस्सा कम रह जाएंगे। कुछ दिन चलाते रहिए। एक अंतिम क्वेश्चन कि आपकी सदस्यता को लेकर भी आज हाई कोर्ट में आज सुनवाई थी, क्या उम्मीद करते हैं आपको? हम कह रहे हैं 12 तारीख आज सुनवाई नहीं थी, गलत खबर है, गलत खबर मत चलाया कीजिए। 12 तारीख को है, 1 नंबर पे लगी है, आपको निमंत्रण है, आइएगा।